बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 3 शेयर करनी है। मैंने कहा था ना कि अब अदम एतमाद का चैप्टर ख़त्म हो गया है। अब शहबाज़ शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुंतखब हो गए हैं और उन्होंने हलफ भी उठा लिया है। अब वो शहबाज़ शरीफ साहब वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान हैं और इस पर भी बात करनी है। उन्होंने पहली तकरीर की और यकीन जानिए वो पहली तकरीर में ही छा गए। पीटीआई ने इस्तीफ़ों का ऐलान किया और फिर उसके बाद क्या हुल्लड़बाजी की, इस पर भी बात करूँगा। कासिम सूरी साहब ने आज अपनी गिलाजत की पस्ती का सबूत दिया है, जो गिलाजत की सबसे ज़्यादा पस्ती होती है ना उसी का। आज मैंने कहा कि कासिम सूरी साहब गिलाजत में शहबाज़ गिल या शहबाज़ गाली से भी आगे निकल गए हैं, इस पर भी बात करूंगा। उसके साथ ही चूँकि मैं वेरी सॉरी कि वीडियो भी इसी वजह से लेट कर रहा हूं कि मैं पार्लियामेंट गया हुआ था तो वहां पे वो फिर सारी सूरत हाल और काफ़ी लंबा वो सेशन चला, उसके उस पर भी मैं आपको तफसील से आगाह करता हूँ। शहबाज़ साहब की जो पहली तकरीर थी वज़ीर आज़म पाकिस्तान की, और साथ ही आपने देखा होगा कि थंबनेल पर मैंने लगाया, सबसे पहले मैं इसी पर बात करना चाहता हूँ कि जनाब आसिफ अली जरदारी साहब के पास कौन मैसेज लेके आया, कौन रिकमेंडेशन या सिफारिश लेके आया कप्तान की, और वो कप्तान की सिफारिश किस किस्म की लेके आया। मेरा एक ट्वीट भी गवाह है और मैंने वीडियोस में भी इस पर बात की है, मैं आप उसको चेक कर सकते हैं। मैंने कहा था कि खान साहब बाहर जाने की बात सबसे पहले कर रहे हैं। ये जब वो आखिरी दिन था ना 9 तारीख, वही दिन कि जिस दिन वो बड़ी बदमजगी हो गई थी, जिस दिन को खान साहब ने एडवेंचर कर दिया था, उस एडवेंचर के जवाब में कुछ आपको पता है गड़बड़ भी हो गई थी, तो फिर उसके बाद खान साहब को जाना पड़ा और जनाब इस्तीफ़ा भी आया असद कैसर साहब का भी, और फिर उसके बाद आखिरी 10-15 मिनट में वो अदम एतमाद की जो तहरीक थी वो कंप्लीट हुई। तो उसी सिलसिले में और अब बताया जा रहा है, बहुत ही मुझे बावसूख ज़राए ने बताया है कि आसिफ अली जरदारी साहब के पास उसी दिन यानी कि 9 अप्रैल को, जब ये बार बार इजलास मुलतवी हो रहा था, फिर हो रहा था, फिर सेशन मुलतवी हुआ, कुछ 4-5 दफ़ा तो ऐसे हुआ और रात में बहुत कुछ गड़बड़ हो गई थी। फिर अब उस पर मैं अलग से वीडियोस कर चुका हूँ। तो आसिफ अली जरदारी साहब के पास कोई एक कामन दोस्त थे, वो मैसेज लेके आए। और वो दोस्त कौन थे? वो दोस्त थे जो पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़जाना जनाब शौकत तरीन साहब, ठीक है, उनके कोई दोस्त थे। और मैं ज़रा बैकग्राउंड भी बताता जाऊँ, जो मुझे ज़राए ने बताया है कि शौकत तरीन साहब का ताल्लुक़ है अनवर मजीद साहब से। आपको पता है अनवर मजीद साहब का आसिफ अली जरदारी से क्या ताल्लुक़ है, और अनवर मजीद साहब से शौकत तरीन साहब का ताल्लुक़ नहीं बल्कि वो फ़र्स्ट कज़न भी हैं, बताया ये जा रहा है। तो उनकी तरफ से एक मैसेज आया शौकत तरीन साहब की तरफ से आसिफ अली जरदारी साहब को, और ये कहा गया कि जी इमरान ख़ान साहब कहते हैं कि मुझे बाहर जाने दिया जाए, आप काइंडली आप इसमें अपना रोल अदा करें। और मैं इस वजह से मैंने नाम इस वजह से ले लिए हैं कि मेरा ज़रिया इतना पक्का है कि अगर मैं किसी भी बंदे को कह दूं कि वो ज़रिया ये है तो वो ख़ुद कहेगा कि जी बिल्कुल, फिर उसके बाद गुंजाइश ख़त्म हो जाती है, ठीक है ना। बस मतलब अच्छा छोड़ें, वो उस पर फर्दर मैंने कुरेदना नहीं है, लेकिन मैंने नाम इस वजह से ले लिए हैं कि मैंने कहा कि कौन फर्स्ट कज़न हैं और किस तरीके से और कौन सी सूरत हाल और किसने भेजा और कहा कि जनाब के भाई इमरान ख़ान साहब को ना उस वक़्त तो वो वज़ीर आज़म थे, तो वो कह रहे हैं कि मुझे और मेरी फैमिली को बाहर जाने दिया जाए। खौफ तो इतना है ना, आप आवाम को तो चूना लगाते रहें, आवाम की आंखों में तो धूल झोंकते रहें। खैर आवाम की आंखों में आप धूल नहीं झोंक सकते, आप सिर्फ़ और सिर्फ यूथियों की आंखों में धूल झोंक सकते हैं, कौम यूथ की आंखों में, ठीक है ना, वो वैसे कोई नहीं। तो आसिफ अली जरदारी साहब से ये रिक्वेस्ट आई कि जी आप कोई अपना रोल अदा करें, अपना किरदार अदा करें और ख़ान साहब को बाहर जाने दें, इनको भी और इनकी फैमिली को भी, बाकी जाने और वो बाकी कुछ भी हो वो भाड़ में जाएं। तो जरदारी साहब ने कहा कि देखें अगर आप कोई चंद रोज़ पहले ये मेरे पास मैसेज लेके आते तो उस वक़्त कोई सूरत हाल डिफरेंट थी, उस वक़्त मैं कुछ कर सकता था, उस वक़्त चीज़ें बहुत सारी मेरे हाथ में भी थी, लेकिन अब जो बिल्कुल आखिरी लम्हात पर आप आए हैं तो अब उस तरह की चीज़ें मेरे हाथ में नहीं हैं।
चीज़ों को कोई और डील कर रहा है या कोई कहीं और किसी जगह पे डील हो रही हैं चीज़ें और वो जो है ना या तय हो रही हैं और ये सारा कुछ, तो वो उनका जो है ना ज़ाहिर मुतफिका प्लेटफॉर्म था पीडीएम का भी और मुतफिका और मुतहिदा अपोजिशन भी थी। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं फिर जब मामलात आगे चले जाते हैं, तो उस वक्त जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि ये मुझे, अब मैंने उनसे पूछा तो फिर मैंने, उन्होंने कहा जी वेरी सॉरी, उनसे कह दें कि जी बात ये है कि आपने मुझे कोई कहा है पहली दफ़ा कोई काम, काम इतना बड़ा भी नहीं था लेकिन मसला ये है कि अगर चार रोज़ पहले मेरे पास सूरत हाल आ जाती और यही रिक्वेस्ट आ जाती तो उसमें कोई बड़ा पॉजिटिव रोल अदा कर सकता, अब इसमें कुछ नहीं कर सकता, तो सॉरी मैं इसमें वो, तो उन्होंने उनको सॉरी कर दिया। अब मैं ये सोचने पे मजबूर हूँ कि मैंने कहा खान साहब एक तरफ तो बैठ के कहते हैं और बड़ी भड़के मारते हैं और जलसों में भी, और वो कहते हैं कि जनाब देखें मैं तो इनको NRO नहीं दूंगा, ये तो चूहे हैं मेरे मुकाबले में आ गए, बस ये हुआ वो हुआ सारा कुछ, और दूसरी तरफ सिफारिशें भेजते हैं इस तरीके से, वो कहते हैं कि मुझे NRO दे दो, दूसरी तरफ कहते हैं जनाब बाजवा साहब को भी कहते हैं, बाकी लोगों को भी कहते हैं, आसिफ अली जरदारी को के पास भी बंदे भिजवाते हैं कि जी मैं मुझे NRO चाहिए और मुझे माफ़ी दे दो और मुझे बाहर जाने दो। अब मैंने आपको एक और बात भी बताई थी, मैंने कहा हो सकता है कि अगर खान साहब ने उस तरह की हुलड़बाजी नहीं की, जो कि वो सियाने हैं करेंगे नहीं मेरा ख्याल है, अगर हुलड़बाजी ना की, अगर फितना बपा ना किया, अगर फसाद बपा ना किया, अगर इंतशार ना फैलाया, अगर कानून को अपने हाथ में ना लिया, तो फिर आई थिंक हो सकता है वो कुछ अरसा तक उनको कोई कुछ भी ना कहे, ठीक है ना। लेकिन जहाँ तक बाहर जाने वाली बात है तो वो मुतफिका फ़ैसला है कि वो बाहर जा कर फिर आपको पता ना वो बंदा फिर बड़ा ही जैसे वो ख़ुद कहते हैं ना ख़तरे नाक हो जाएंगे, और बाहर जा कर कोई बैठा हो रोज़ ही कोई ना कोई क्लिप निकाल रहा हो, रोज़ ही कोई ना कोई जो है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हो, तो उसमें तो हालत तो ये है कि रिस्पांसिबल वो इतने हैं कि वो जो नेशनल सीक्रेट्स हैं उनको भी जलसों में डिस्कस कर लेते हैं। तो वो ये वाली सूरत हाल थी, मैंने कहा ये आपके पास आपको बताना। और उधर से कहते क्या हैं, उधर से हालत ये है कि जी देखें गरीब के लिए कोई अदालतें खुलती हैं, गरीब के लिए तो दिन को भी नहीं खुलती, और अमीर के लिए जो है ना इनके लिए रात के 12 बजे अदालतें, भाई इनके लिए नहीं खुली। आपने जो आईन पर शब खून मारा था ना, उस आईन के तहफ़ुज़ के लिए अदालतें खोली हैं, तो मुझे फ़ख्र है, मतलब आपने इस तरीके से आईन पे शब खून मारा। अब तो दी गार्डियन जैसा जरीदा भी ये लिख रहा है कि एक सीनियर मिनिस्टर ने एक सीनियर अपोजिशन के लीडर को मैसेज भेजा और मैसेज में लिखा कि माशाल्लाह आर इलेक्शन योर चॉइस, यानी आप चाहते हैं इन दोनों में से क्या हो, इलेक्शन हो या फिर हम मार्शला लगवाएं। और वही कोशिश की उन्होंने, भोंडी कोशिश, कि जिस तरीके से पाकिस्तान के सिपा सलार के साथ छेड़ा गया, उनको जिस तरीके से डी नोटिफाई करने की कोशिश की गई और वो किया गया, लेकिन उसके बाद मामला किस तरह संभले, आपने पूरी कोशिश की थी कि वो स्टेप इन हों, वो इस एक तरह से जो है ना आएँ मुलविस हों और मार्शल लॉ लगा दें और मेरा मकसद पूरा हो जाए। वो ऐसा नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बहुत ही फहम व फरासत से काम लिया, मैं समझता हूँ उनको दाद देनी चाहिए। तो ये जो लोग कह रहे हैं ना कि आपने तो अदालतें खुल गई रात के 12 बजे, ये जो आपने आइन छिकनी की थी और आपने जो हरकत की थी जिससे आइन रिस्क पर आ गया था, तो मेरी अदालतें सुन लो भाई कौम यूथ के सारे लोगों, मेरी अदालतें आईन के तहफ़ुज़ के लिए रात को भी जागती हैं, उनकी आंखें रात को भी खुली होती हैं। जी हाँ, ये ऐसे नहीं है कि काली पट्टी बंधी होती है, उनको इस काली पट्टी से भी नज़र आता है और वो रात को भी जाग रही होती हैं, और उनकी आँख होती है कि अगर आप जैसे कोई आईन शिकन को लोग आईन पर हमला करें, दस्तूर पर, कानून पर हमला करें, डेमोक्रेसी पे हमला करें, इस पार्लियामानी निज़ाम पर हमला करें, तो अदालतें रात को भी जाग रही होती हैं, उनकी आंखें उस अंधेरे में भी खुली होती हैं। इस वजह से वो रात को आई थी, वो रात को किसी को NRO देने नहीं आई थी, वो रात को NRO देने नहीं आई थी, बल्कि वो रात को आईन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आई थी। और आज मुझे अफसोस हुआ है, शर्म का मकाम है कि जब ये इस्तीफे का ऐलान किया, पहली बात तो ये, इस पर मैं आता हूँ, पहली बात तो ये है कि इस्तीफे कोई नहीं दिया है, मैं ऐलान करके भाग गए, ठीक है जी। अब मैं देखता हूँ कि किस तरह से इस्तीफे, अगर इन्होंने इस्तीफे दिए हैं तो 45 दिन के अंदर फिर आप देख लीजिएगा इलेक्शन होगा,
आप देख लीजिएगा, कबूल होते हैं ना इस्तीफे। कोई कह रहा है, अब शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि जनाब मैंने अपना साबिक वज़ीर आज़म को इमरान खान साहब को इस्तीफ़ा भिजवा दिया है। वो इमरान खान को इस्तीफ़ा भिजवाने से वो इस्तीफ़ा कबूल हो जाता है। वो इस्तीफ़ा स्पीकर को भिजवाना होता है और स्पीकर के पास आके इंटरव्यू करना होता है कि जी वाकई ये मेरा इस्तीफ़ा है और ये मेरे दस्तखत हैं, या आपको आके एक एक को फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर ऐलान करना पड़ता है अपने इस्तीफे का। ये कोई तरीका होता है, जैसे उस्मान बुज़दार ने जो है ना इमरान खान साहब को इस्तीफ़ा दे दिया था, ये कोई तुक है। और इस्तीफ़ा उन्होंने उनको एड्रेस किया इमरान खान साहब को, कबूल कर लिया चौधरी सरवर साहब ने, मंजूर कर लिया। माशाल्लाह कौम यूथ के एक से एक ज़्यादा, एक से एक बढ़ के ही रहे हैं, ऐसे ऐसे ही रहे हैं कि आप हैरान रह जाएंगे। तो भाई बात यह है कि जब इन्होंने इस्तीफ़े का ऐलान किया, इस्तीफ़ों का, और फिर ईवान से भागे उसी तरह से विकटें उखाड़ के, और विकटें तो खैर आपकी बार किसी ने नहीं उखाड़नी दी, लेकिन ये जब भागे तो इतना गलत तरीके से इन्होंने नाराबाजी की, इन्होंने ईवान के तकद्दस को पामाल किया और इतनी गलत नाराबाजी की। और मेरे पास वो रिकॉर्ड हुआ हुआ है, वो क्लिप वो मैं चलाऊँगा इधर आपके सामने भी चलाऊँगा, बेफिक्र हो जाएं। वो मेरे पास क्लिप रिकॉर्ड हुआ हुआ है कि जिसमें इन्होंने ग़ुलाम अदलिया मुर्दाबाद का नारा लगाया है। ये तहरीक इंसाफ के MNAs ने पार्लियामेंट के फ्लोर पर खड़े होकर ग़ुलाम अदलिया मुर्दाबाद, और इन्होंने पता नहीं घोड़े की शक्ल वाला मुर्दाबाद इस तरीके से जो है ना, ये इस तरह से इन्होंने ये वाले नारे लगाए हैं। तो ये क्या सूरत हाल है ये भाई? आपको आप अब कह रहे हैं कि जब हम एहतजाज की तरफ जाएंगे, जाएं आप एहतजाज की तरफ, लेकिन जब जिस रास्ते पे आप चल पड़े हैं वो एहतजाज नहीं है। प्रोटेस्ट करना, एहतजाज करना आपका कानूनी राइट है, लेकिन ये एहतजाज नहीं है, ये बगावत है। बगावत, ये बगावत है रियासत के ख़िलाफ़, और रियासत के ख़िलाफ़ बगावत आपका कोई राइट नहीं है। आप एहतजाज करें, हुकूमत के ख़िलाफ़ करें, कुछ भी हो, प्रोटेस्ट करें, नारे लगाएं, जलसे करें, रैलियां निकालें, कोई मसला नहीं है, लेकिन रियासत के ख़िलाफ़ बगावत की कोई इजाज़त नहीं देगा आपको। रियासत के सतूनों के ख़िलाफ़ बगावत की, उनको मुर्दाबाद कहने की, आप अदलिया ग़ुलाम अदलिया मुर्दाबाद के, ये नारे मेरे पास रिकॉर्ड हुए हुए हैं। ये क्या सूरत हाल है? ये तो बिल्कुल आप एक ऐसे डगर पे चल पड़े हैं। कल को यही सूरत हाल क्या, कल PTM के आप कहते थे कि इस तरह से, कल आप फिर अल्ताफ़ हुसैन साहब को कहते थे, फिर उसके बाद जनाब आपने ये अली वज़ीर साहब का देखा, एक साल से वो जेल में था, तो फिर क्यों है? तो आपको आसमान से उतरे हैं आप? कोई कौन, क्या कौन सी मखलूक हैं जो आपको पकड़ नहीं हो सकती? आप चाहे DGISI को मुर्दाबाद कहें, आप चाहे जनरल बाजवा को मुर्दाबाद कहें, आप चाहे अदलिया को मुर्दाबाद कहें और ग़ुलाम अदलिया कहें, तो ये क्या आपसे पूछ गछ नहीं होगी? डेफिनेटली होगी। आप देख लीजिएगा कानून कैसे अपना रास्ता बनाता है, इस तरीके का वो रास्ता बनाएगा कानून के आपको समझ भी नहीं आएगी कि किस तरीके से वो कानून रास्ता बनाता है, आप देख लीजिएगा। तो भाई बात ये है कि आप इस्तीफे दें, और इस्तीफे अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर बिलफर्ज़ आप समझ रहे हैं कि ये जो इस्तीफे हैं ये कबूल हो गए, और आप इतने मकबूल हो गए हैं, आप इतनी मकबूलियत पे आ गए हैं, तो फिर तो इस्तीफे दें। ज़रा थोड़ा सा दोबारा लड़ के देखें, आपको लग समझ जाएगी आपकी मकबूलियत किधर है। आप मकबूलियत आपको अच्छी तरह से पता है, आप अपने केसेस से बचना चाहते हैं। आ जाए जनाब शहबाज शरीफ साहब की स्पीच पर, उन्होंने ना तो ये कहा कि मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, नहीं कहा, ठीक हो गया, मैं आपको रुलाऊंगा, ओए चोर, ओए डाकू, ओए चूहे, ओए गधे, इस तरह के अल्फाज आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के मुकद्दस तरीन ईवान में नहीं सुने। गैर पार्लिमानी अल्फाज हमने पार्लियामेंट में, पार्लिमान के अंदर हमने गैर पार्लिमानी अल्फाज नहीं सुने। मैं तुम्हें जेल डाल दूंगा, तो मैं तुम्हें ये कर दूंगा, तो उनने पहले भी कहा है कानून अपना रास्ता लेगा, आईन अपना रास्ता लेगा, हमने कोई इंतकाम नहीं है हमें किसी किस्म का। उन्होंने ज़बरदस्त किस्म की तकरीर की, हाँ अलबत्त तकरीर के सबसे पहले हिस्से में ये जो लेटर गेट, ये जो ख़त लहरा रहे हो ना, इसकी अब तहकीकात हो रही हैं, और बड़ी जामे तहकीकात हो रही हैं। ये ख़त जनाब आज ये ख़त उन्होंने कहा है कि पहली फुर्सत में ये सिक्योरिटी कमेटी में रखेंगे, जहाँ पर सारे के सारे सर्विसेज चीफ्स भी होंगे, यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ,
चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, ठीक है ना, इस तरह से चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और DGISI, ये उन्होंने नाम ले लेके कहा ये भी उसमें होंगे, उसमें वो फॉरेन सेक्रेटरी भी होंगे, और उसमें शहबाज शरीफ साहब ने, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ये भी कहा कि उसमें असद मजीद साहब भी होंगे, ठीक है ना, कि जिनकी तरफ से ये मरासला आया है। अब उसमें फिर बैठेंगे वो सिक्योरिटी कमेटी, और अब लगेगा पता कि किस किस्म का खत है, खत में है क्या। अब जब मुश्तरका एलामिया आएगा और प्रेस रिलीज आएगी तब समझ आएगी, फिर आप लहराना इस तरीके से जलसों में। उन्होंने कोई वो नहीं की, बहुत ही यकीन कीजिए आजजी के साथ तकरीर की, कोई अपना खुद क्रेडिट नहीं लेना, किसी किस्म का नहीं लेना चाह, कोई रौनत और फिरौनियत से काम नहीं लिया, बार बार जरदारी साहब को क्रेडिट दिया, मौलाना साहब को दिया, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को दिया, खालिद मक्सी साहब को दिया, बाकी अपने तमाम साथियों को दिया, और रिलीफ पैकेजेस का भी ऐलान कर दिया। अब कुछ यूथ ये कह रहे हैं देखें जी खजाने में तो पैसे ही कोई नहीं है, तो इन्होंने रिलीफ पैकेज का कैसे, इसका मतलब पैसे किधर गए हैं, आप तो कह रहे थे हम खजाना भर गए हैं तो वो किधर गए हैं। और अगर किसी ने लीव पैकेज दिया है तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जब फ्लोर ऑफ द हाउस पे कह रहे हैं कोई सोच के कह रहे होंगे ना, ठीक है ना। उन्होंने मजदूर की तनख्वाह 25,000 कर दी, मजदूर की अपना मजदूर की जो उजरत है। इसी तरीके से उन्होंने कहा कि जिनकी 1,00,000 तक भी तनख्वाह है मैं फैक्ट्री मालकान से कहूँगा कि उनका भी 10% इजाफा करें। उन्होंने सिविल और मिलिट्री पेंशनर की पेंशन में 10% इजाफा कर दिया है। उन्होंने कहा हम जो है ना रमज़ान में सस्ता आटा भी बाज़ारों में लाएंगे, और भी उन्होंने कुछ रिलीफ्स का ऐलान किया और ज़बरदस्त किस्म का। उन्होंने ये भी चाइना के साथ, सऊदी अरब के साथ, ईरान के साथ, UAE, मिडल ईस्ट के साथ, अमेरिका के साथ, तुर्की के साथ, सब के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात, भारत को भी मुज़ाकरात की मोदी साहब को उन्होंने दावत दे दी। इसी तरीके से शहबाज शरीफ साहब ने आप यकीन करें कहा कि हम CPAC को तेज़ करेंगे, बहुत ज़बरदस्त किस्म का कि जी अब CPAC को तेज़ करेंगे। जो CPAC बिल्कुल खूब खाते में चला गया था, ये पहली तकरीर थी, ज़बरदस्त तकरीर थी भाई। ये बंदा बला का मेहनती है, इस बंदे को अगर कोई नहीं जानता, जो लोग जानते हैं तो वो मेरी गवाही देंगे, ये बला का मेहनती बंदा है। ये रात को 2 बजे में सोए तो सुबह ये जो है ना 4-5 बजे जाग जाता है। ये बिल्कुल जब जागता है तो फिर उसी वक्त मैदान में कूद पड़ता है। ये बला का मेहनती आदमी है। उन्होंने कहा कि चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं लेकिन हम इसको पूरा करके दिखाएंगे। और अगर 3-4, अब जैसे डॉलर, उन्होंने ख़ुद भी कहा कि डॉलर 8 रुपये नीचे आ गया 2 ही दिनों में, और इसी तरीके से स्टॉक एक्सचेंज कहीं ऊपर चली गई, कितनी तरक्की कर गई, इस तरीके से और भी बहुत सारी खुशखबरियाँ। अगर ये 3-4 माह में इन्होंने 20-30% भी महंगाई कंट्रोल कर ली तो आपके मुंह में क्या रह जाएगा। अब तो उसके बाद फिर ये सूरत हाल होगी भाई, ये 4-4.5 साल में क्या चने बेचने आए थे, इन ये कुछ नहीं कर सकते थे। अगलों ने 4 माह किया, अंदर आके सब कुछ इतना कुछ कंट्रोल किया, चाहे वो चीज़ें 20-30% भी नीचे जाएं, चाहे वो उधर बहुत सारी चीज़ें उधर रुक भी जाएं और कहीं कोई डिटेरियरेशन की तरफ न जाएं, कहीं ख़राबी की तरफ चीज़ें न जाएं, तो फिर अवाम अंधे तो नहीं है ना, फिर लोग बाशऊर हैं, लोग पागल तो नहीं हैं। वो सोचेंगे भाई जो भड़के मारने आए थे, जो जलसे करने आए थे, जो ये मैं कहता हूँ खान साहब, बस मैं तकरीर अपना इसकी वीडियो के आखिर पर यही कहूँगा कि अगर ये आप कहते हैं ना मैं मगरब को बहुत अच्छा जानता हूँ, मैं अमेरिका को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, बरतानिया को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, सर अगर मैं कहता हूँ आप कख भी नहीं जानते, मैं माजत के साथ कहूँगा कि अगर आप जानते होते ना, वहाँ पर कोई भी बरतानिया का वज़ीर आज़म होता या अमेरिका का सदर होता या इंडिया का वज़ीर आज़म होता या कोई भी होता, कहीं पर कहीं भी अच्छी अच्छी डेवलप्ड डेमोक्रेसी में कोई बंदा होता, वो तकरीरें करता कि अगर मैं IMF के पास गया तो मैं ख़ुदकुशी कर लूँगा, मैं जो कैबिनेट रखूँगा वो 15 से 20 लोगों के रखूँगा, फिर पता चले 50 को भी क्रॉस कर गई, फिर पता चले कि इन्होंने जो कर्ज़ा लिया पिछले पीपल्स पार्टी और नून लीग के 10 सालों से भी ज़्यादा ले लिया, 20,000 अरब से भी ज़्यादा आपने कर्ज़े में इजाफा कर दिया। और आगे और उस वक़्त क्या कि मैं तो ख़ुदकुशी कर लूँगा,
अगर कोई बंदा ऐसा होता प्राइम मिनिस्टर उनका या प्रेसिडेंट, और इस तरीके से वो कहता और सारी चीज़ों पर यू टर्न ले लेता और फिर अवाम का मजाक उड़ाने के लिए कहता कि भाई यू टर्न तो वो लेता होता है जो अजीम लीडर बनता है, और फिर अवाम के मुंह पर तमाचा मारता कि मैं कोई तुम्हारे आलू और प्याज की कीमत अपना कंट्रोल करने के लिए आया था या देखने के लिए आया था। नहीं जी, आप तो अमेरिका फतह करने के लिए आए थे। आप तो, मैं कहता हूँ ये हमारी सितम जरीफी हमने पहली दफा देखा है कि एक बंदा जिसने अपने अवाम को भूखों मार दिया, भूखा मार दिया अपने अवाम को, ठीक है, और उन्होंने अपने अवाम को 50 लाख घरों का और 1 करोड़ नौकरियों का चूना भी लगाया, उन्होंने हर एक चीज पर यू टर्न लिया और फिर भी वो इस्लाम का अजीम लीडर बन गया। ये पहली दफा हमने देखा है। क्या लोगों ने आपको वोट अमेरिका के खिलाफ खड़े होने के लिए दिए थे? बात यह है कि वो भी झूठ है। आप किस तरीके से खड़े हैं? अभी खत की इन्वेस्टिगेशन आ रही है चंद दिनों में, फिर आप देखिएगा कि आप मुंह छुपाते फिरेंगे। आपके पास कोई परफॉर्मेंस नहीं है, सिफर परफॉर्मेंस है। 3.5-4 साल के बाद सर माजरत के साथ आपकी सिफर परफॉर्मेंस है। अब इसी वजह से आपको कभी इस्लामोफोबिया का सहारा लेना पड़ रहा है, और कुछ नहीं बचा तो आपको एक जाली झूठे खत का सहारा लेना पड़ रहा है। आपको कुछ भी नहीं पता, तो आपको कोई परफॉर्मेंस नहीं है, कोई एक चीज़ नहीं कंट्रोल, नौकरियां किसी को नहीं मिली किसी तरीके से भी। आपने अब दूसरे शोशे छोड़ने शुरू कर दिए हैं, तो ये शोशे ज़्यादा देर तक नहीं चलेंगे। शायद जिन लोगों को ये जोम है या शायद जिन लोगों को ये बहुत गुरूर है कि हम तो पता नहीं रोड ब्लॉक कर देंगे या क्या करेंगे, मेरे वर्ड्स नोट कर लो, मेरे अल्फाज आज नोट कर लो, लिख लो, ठीक है ना। ये रोडें ब्लॉक करें, उसके बाद अपना हशर देखें, इनके साथ कानून हशर करता क्या है। ये वो ज़माना नहीं है कि जहाँ पे कोई पीछे इनकी पीठ से पीठ मिला के खड़ा हुआ था, ये वो वाली सूरत हाल नहीं है। ये 2022 है और इनको बता दिया गया है कि आराम से बैठना है तो बैठो, जलसे करो, रैलियाँ करो, कोई मसला नहीं है, कोई कानून आइन में मना नहीं है, आपके फंडामेंटल राइट्स हैं। लेकिन जहाँ पे फितना बपा किया फिर वो सबक पढ़ाएंगे कि लग समझ जाएगी। और फिर जब ये 20-30% भी महंगाई नीचे आ गई, बहुत सारी चीज़ों में बेहतरी आने लगी, खत की तहकीकात भी गुल हो गई और ऐसे कि आपके मुंह पे लगी और वो साबित हुआ। शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि अगर आज साबित हो जाए इस खत की तहकीकात में कि हम कोई बैरूनी एजेंट हैं या हमने कोई बैरूनी किसी से भी पैसे लिए हैं या हमारा कोई इस तरह का नेक्सस है या कोई बैरूनी साजिश है, मैं बिल्कुल उसी वक्त विद इन नो टाइम वजारत उज़्मा से इस्तीफ़ा दे दूँगा। बिल्कुल ज़बरदस्त बात की है। खत की अब तहकीक हो, वो भी जो आप साजिश बोल रहे हो वो भी मिट्टी में चली जाए सारी साजिश, और वो भी ख़त्म हो जाए, और यही सर्विसेज चीफ्स, यही आर्मी चीफ, यही DGISI कहें कि किसी किस्म की कोई साजिश नहीं हुई और ना ही कोई ऐसी धमकी आई है, फिर क्या रह जाएगा। तो सर बात यह है, थोड़ा सा सब्र रखें, हौसला रखें भाई यूथियो, मेरे मज़लूम यूथियो, मुझे आपसे पूरी हमदर्दी है। उसकी वजह यह है कि ये जो यूट्यूब पर बैठकर यूट्यूबर और ये जो मालशिया पालशिया साफ़ी ये कह रहे हैं ना कि कुछ भी नहीं होना, खान 2 महीने के बाद वापस आ जाएगा, ये आपको उसी तरह से चूना लगा रहे हैं जो इसी तरीके से 3.5-4 साल से चूना लगाए रखा है इन्होंने। उसी तरीके से अगर आपने इनसे उसी तरीके से या चाहते हो कि आपको चूना लगाए रखें तो जी बिस्मिल्लाह, आप इन्हीं की बातों में आएँ। अदरवाइज़ हकीकत ये है कि आप एटलीस्ट 5-6-7 साल तो बिल्कुल भूल जाओ, उसके बाद मैं नहीं कहता, मैं ये नहीं कि शेख रशीद की तरह मेरी बड़ी इस तरह की प्रडिक्शन की और भड़के मारने की आदत हो, वो वाली बात नहीं है, लेकिन मैंने आपसे कहा है ना मार कर लो मेरे अल्फाज। ये तो टाइम जो ये तो ट्रांजिशन पीरियड है, इसके अलावा जो इंतखाबात के बाद वाला पीरियड आएगा वो ये आप पूरे का पूरा पीरियड भूल जाओ, ये मैं आपको बता दूं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।